ठीक है तो इस केस में अगर आप citybank.com वेबसाइट पे ऊपर जाते हो फॉर एग्जांपल और उसके आगे लोड बैलेंसर लगा हुआ है तो वो वेबसाइट अगर मान लो वो वेबसाइट 10 मशीन पे रन कर रही है तो लोड बैलेंसर आपकी ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा पर सेकंड मतलब पहली रिक्वेस्ट इस मशीन पे जाएगी दूसरी रिक्वेस्ट इस मशीन पे जाएगी ऐसे सेम वे मान लो आप नेट बैंकिंग पे क्लिक करते हो वहां पे इंटरनल लोड बैलेंसर होगा ये इंटरनेट फेसिंग लोड बैलेंसर है ये इंटरनल लोड बैलेंसर है मान लो आप सिटी बैंक पे गए वो तो वेब फिर वहां पे आपने क्लिक किया अह इंटरनेट बैंकिंग के ऊपर इंटरनेट न, नेट बैंकिंग के ऊपर तो, तो वहां पे नेट बैंकिंग के अंदर चार सर्वर लगे हैं जहां पे आपकी रिक्वेस्ट जाएगी तो ये हो गया इंटरनल लोड बैलेंसर ठीक है तो हमने ये दो बातें Uh, कल ट्राई uh, कल प्रैक्टिकल में डेमो में किया था कि इंटरनेट फेसिंग लोड बैलेंसर क्या होता है और इंटरनल लोड बैलेंसर क्या है सेकंड हमने देखा था कि पोर्ट्स एक होती है लोड बैलेंसर पोर्ट्स और एक होती है इंस्टेंस पोर्ट्स मैं इसको और डिटेल में भी करवा सकता हूं डीप डाइव इसका डीप डाइव का मेरा कांसेप्ट ये है कि आप लोगों को समझ आ जाए इट डजंट मीन कि मैं आपको और कंफ्यूज करूं ठीक है ना क्योंकि सिंपल में ए लॉट ऑफ पीपल ऑलरेडी देयर इन द मार्केट अगर आप सिर्फ इतना ही करके जाओगे तो मुझे नहीं लगता कि ज्यादा आजकल प्रेफरेंस है क्योंकि ऑलरेडी ए लॉट ऑफ पीपल आर देयर विद द एडब्ल्यूएस सर्टिफिकेशन तो थोड़ा डीप डाइव अंडरस्टैंड करो कि ये पोर्ट्स कैसे वर्क करती हैं ठीक है तो मैं यहां पे पोर्ट 80 देता हूं लेकिन आप कोई भी पोर्ट दे सकते हो ठीक है जनरली आप तो कि आप आपके लिए पोर्ट यहाँ पे कुछ भी हो सकता है जैसे मैं अगर लोड बैलेंसर पे कॉल कर लोड बैलेंसर पे जाता हूँ ठीक है और किसी भी वेब, वेबसाइट पे फॉर एग्जांपल मैं जाता हूँ एक्सा इन्फोटेक कॉम अगर मैं यहाँ पे कॉलन पोर्ट नंबर दे दूँ 8080, तो ये इसका मतलब ये है मेरे ब्राउजर से यहाँ तक जा रही है ठीक है चाहे वो नहीं चल रही तो ये वाली पोर्ट 8080 यहां पे होगी जो मेरे लोड बैलेंसर पे जाएगी यहां से ठीक है ये लोड बैलेंसर तक 8080 क्योंकि मैं ब्राउजर से दे रहा हूं ओवर द इंटरनेट मैं अपने लैपटॉप के ब्राउजर से चाहता हूं कि ये जो वेबसाइट है जो भी आ, मैं ओपन कर रहा हूं तो वो ओपन हो पोर्ट नंबर 8080 पे ठीक है मैं नहीं चाहता मतलब ये कंपनी ने मुझे दी है वेबसाइट और वो बोलती है कि 80 इसका मतलब क्या होगा मेरे लोड बैलेंसर 8080 पे पोर्ट को एक्सेप्ट करेगा ठीक है दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट लेवल पोर्ट सेकंड होता है मेरे जो वेब सर्वर है वो कौन सी पोर्ट पे चल रहे हैं जनरली इट इज नॉट द पोर्ट 80 दिस इज द ओनली फॉर टेस्टिंग इन प्रोडक्शन इट इज ऑलवेज 443 ठीक है 443 443 होता है एसएसएल लेयर ठीक है जहां पे आपकी जितनी भी ट्रैफिक होती है सारी सिक्योर्ड सिक्योर्ड uh, रहती है ठीक है HTTP टी इज़ ए वेरी ओपन प्रोटोकॉल जिसमें बोल से आपके सारे पासवर्ड इन्फॉर्मेशन प्लेन टेक्स में जाएगी लेकिन 443 में सारी इनक्रिप्टेड जाएगी लेकिन यू नीड टू बाई सर्टिफिकेट फॉर द एस और सेल्फ साइन सर्टिफिकेट भी आप बना सकते हो That is also fine. But यहाँ पे जरूरी नहीं है सिर्फ 443 हो कुछ कंपनियों ने क्या कर रखा है कि हैकिंग से बचने के लिए वो क्या करते हैं इसको कन्वर्ट कर देते हैं किसी और में फॉर एग्जाम्पल किसी और में मतलब 8443 ठीक है 8443 मतलब ऐसे डिफरेंट पोर्ट देते हैं लेकिन वो भी सिक्योर रहती है लेकिन किसी को पता ना लगे कि कौन सी पोर्ट पे चल रहा है तो हैकर को थोड़ा और मेहनत करनी पड़ेगी अपने पैकेट्स को कुछ भी अगर स्नूफ करना है ठीक है तो उसके लिए थोड़ा और टाइम लगेगा तो ये इंटरनल चेंज कर देते हैं अभी होता क्या है अगर ये पोर्ट इंटरनल चेंज कर दो तो यहां पे जो वेब सर्वर मेरा बनेगा सिटी बैंक का इसकी वेब कॉन्फ़िगरेशन में जाके आपको ये पोर्ट अनेबल करनी पड़ती है लेकिन यह आपका काम नहीं है मैं सिर्फ बता रहा हूं वो जो एप्लीकेशन टीम होगी सिटी बैंक डॉट कॉम जो ये वेबसाइट बना रही होगी ठीक है वो आपको बताएगी कि हमारी जो वेबसाइट है वो इंटरनली फोर फोर थ्री पोर्ट पे चलती है तो आपको लोड बैलेंसर के ऊपर ये पोर्ट को अनेबल करना है ठीक है मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि यू कैन ऑल्सो डू टेस्टिंग पर्पज लेकिन ये कैसे वर्क करता है सो दट यू कैन अंडर ठीक है कई बार यहाँ पे जो भी बंदा एक्सेस करता है वो उस टैंक के ऊपर उसको बोलते हैं कि इसका सेशन थोड़ी देर के लिए स्टिक रहे यहीं पे फॉर एग्जाम्पल ये बंदा पेमेंट कर रहा है तो सिटी बैंक से पेमेंट जब हो रही होती है तो अगर सेशन बीच में थोड़ी देर के लिए टूटता है और दोबारा क्रिएट होता है तो ऐसा नहीं है कि उसकी रिक्वेस्ट इस सर्वर पे चल जाए इसको पता ही नहीं तो वो सेशन को मेंटेन करने के लिए कई कंपनियों का दे रखा होता है तो हमने भी कल यूज किया था स्टिकीनेस उसमें आप टाइम दे देते हो कि इस बंदे की रिक्वेस्ट अगर इस सर्वर पे गई तो स्टिकीनेस दस सेकेंड के लिए वो अगले दस सेकेंड के लिए रिक्वेस्ट इसी पे जाएगी अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो

आज हम स्टार्ट uh, करेंगे अपना नेक्स्ट लोड बैलेंसर दैट इज द नेटवर्क लोड बैलेंसर ठीक है कोई भी क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क आई विल टेल यू वन क्लियर थिंग देयर इज अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर देयर ऑन लोड डेफिनेटली मुझे भी सारे नहीं आते आई एम वेरी फ्रेंक इन दैट लेकिन आपको लर्न कैसे करना है एक्स्ट्रा ठीक है ये तो मैंने बता दिया ये सबको पता है ठीक है लेकिन उसके अलावा भी बहुत कुछ होता है लोड बैलेंसर में एक हैबिट बना लो थोड़ी ए डब्ल्यू एस बी एफ ए क्यू अगर आप ए डब्ल्यू एस में यहाँ पे जाते हो एफ ए क्यूज ए डब्ल्यू एस एफ ए क्यूज ठीक है तो यहाँ पे हर टेक्नोलॉजी के उन्होंने फ्रीक्वेंट आस्क क्वेश्चंस दे रखे हैं अगर आप सर्च करते हो ईएलबी डायरेक्टली नहीं दे रखा लोड बैलेंसर ढूंढ लेता हूँ लोड बैलेंसिंग इलास्टिक लोड बैलेंसिंग एफएक्यू इस पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे ये यह क्वेश्चंस आते हैं ठीक है मैं जनरली बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं बेसिक से ठीक है और लेकिन आपको नॉलेज बहुत देंगे ये ठीक है तो प्लीज इसको ट्राई करना रीड करने का जब भी टाइम लगे हाँ अपने मोबाइल पे जब भी कहीं बैठे हो अगर टाइम लगता है तो ये एफ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हाउ डिज आई कैन डिसाइड विच लोड बैलेंसर टू सेलेक्ट माई एप्लीकेशन ये सारे जो क्वेश्चन है ना जनरली इंटरव्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि आपको इंटरव्यू में पूछता है ओके okay, कि मेरे पास एप्लीकेशन मैं यूज करूं या वो यूज करूं क्यों करूं ठीक है तो यहाँ पे आप आंसर उसने दे रखा है यू कैन सिलेक्ट एप्रोप्रिएट लोड बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन नीड इफ यू नीड टू लोड बैलेंस एचटीटीपीएस रिक्वेस्ट वी रिकमेंडेड एएलबी फॉर नेटवर्क क्योंकि ये लेयर फोर पे चलता है तो टीसीपी यूडीपी फॉर एक्सट्रीम परफॉर्मेंस एंड लो लेटेंसी एप्लीकेशन वी रिकमेंडेड नेटवर्क लोड बैलेंसर ठीक है तो यहां पे तुम रीड कर सकते हो इसको ठीक है कि कैसे हो सकता है इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो आपने नहीं सोची होंगी ठीक है मतलब एक्चुअली बहुत सारी बहुत ज्यादा सारी ऐसी चीजें हैं जो आपने सोचा भी नहीं होगा कि ये कैसे होता है या नहीं होता है ठीक है तो यू शुड ट्राई दैट ओके तो प्लीज ठीक है जैसे इज एचटीटीपी 2 सपोर्टेड अभी कहीं पता नहीं होगा हमें कि कई बार की एचटीटीपी 2 क्या है ठीक है ये नया वर्जन एचटीटीपी 2 का है वो भी इसमें सपोर्ट करता है ठीक है तो इसके बारे में आप थोड़ा और पढ़ सकते हैं व्हाट इज एच टी टी पी टू एंड इज द डिफरेंस बिटवीन एच टी टी वन एंड एच टी डी टू कई नई वेबसाइट एच टी डी टू पर ही बन रही हैं लेकिन बहुत सारी चीजें अभी भी सपोर्ट नहीं कर रही हैं उसको ठीक है तो ये चीजें आपके थोड़ा सा मतलब माइंड में रहनी चाहिए जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो ठीक है तो प्लीज इस एफएक्यूज को जरूर रीड कीजिएगा ओके okay, तो अभी हम वापस आते हैं अपने इसी टू पे ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग दिस आर द फर्स्ट स्टेप ठीक है इट्स नॉट द कंप्लीट ऑफ दू एस ठीक है और आपको आ गया सब कुछ नहीं इट्स जस्ट ए फर्स्ट स्टेप इसमें आपको यह पता लगता है कि हम कर क्या रहे ठीक है वॉट इज द लोड बैलेंसर हाउ इट वर्क वेरी हाई लेवल जितना आप डीप जाते जाओगे उतना आपको नई नई चीजें पता लगती रहेगी ओके okay, मेरे दोनों वेब सर्वर पहले ही रेडी हैं एक बार दोबारा टेस्ट कर लेता हूं जैसे ये मैंने कल ही बनाए थे मैं कल शट डाउन करना भूल गया वेरी बैड क्योंकि मेरा उतने आवर्स कम हो गए ठीक है ना और इसमें अगर ये पिछले 24 घंटे से दोनों चल रहे हैं तो ऑलमोस्ट मैंने 24 घंटे में अड़तालीस घंटे मेरे सेवन आवर्स में अड़तालीस घंटे खत्म हो गए ठीक है ये दूसरा सर्वर है अगर मैं इसको देखता हूं तो ये भी है अभी मैं अगर लोड बैलेंसर देखता हूं कि मैंने वो डिलीट किया था या नहीं अगर वो भी है तो मेरे और 24 आवर्स चले गए यह भी बना हुआ है तो मैं इसको डिलीट कर देता हूं अभी मुझे नहीं चाहिए ये कल का क्लासिक लोड बैलेंसर था अभी मैं नया लोड बैलेंसर बना रहा हूं नेटवर्क लोड बैलेंसर पहले तो अंडरस्टैंड कीजिए नेटवर्क लोड बैलेंसर हमें कहां चाहिए? नेटवर्क लोड बैलेंसर जनरली यूज होता है जहां पे जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रैफिक है वो बहुत हाई होती है जैसे मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट पर सेकंड। ठीक है चूज द नेटवर्क लोड बैलेंसर व्हेन यू हैव नीड अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस tls offloading at scale centralized certificate deployment support for udp static ip address for your application operating at the connection level uh, network load balancer capable of handling millions of requests per second securely while maintaining low ultra latency can somebody tell me kaha pe hum network load balancer एप्लीकेशन uh, है, है जहां पे मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट पर सेकंड आ रही सेकंड मिलियन रिक्वेस्ट पर सेकंड आ रही हैं ट्राई करो लेट्स थिंक बैंकिंग नहीं बैंकिंग में भी मिलियन रिक्वेस्ट पर सेकेंड नहीं आती नेट बैंकिंग ऊपर भी सर्च इंजन तो नहीं सर सर्च इंजन इज वन ऑफ द ऑप्शन सेकंड इज फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर एमेजोन डॉट कॉम फ्लिपकार्ट पे जो स्केल है वो बहुत ऊबर इनके सभी में जो रिक्वेस्ट है तुम्हारी वो पर सेकंड मतलब मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट पर सेकंड है आप सर्च करते हो कुछ भी उबर के ऊपर लोग ऑल इंडिया में मतलब उबर का ऐसा तो है नहीं सिटी वाइज है तो उनका जो फ्रंट एंड है वो तो पूरी कंट्री के लिए सेम होता है तो पूरे इंडिया में अगर जितने लोग उबर सर्च कर रहे हैं इस टाइम सभी का रिक्वेस्ट पहले लोड बैलेंसर पे जाएगा तो सेम वे अगर आप एमेजोन में शॉपिंग कर रहे हो ठीक है बिग मिलियन डे तो करोड़ों लोग एक साथ शुरू करते हैं राइट एवरी सेकेंड कितने लोग शॉपिंग कर रहे हैं सेम वे इंस्टाग्राम फेसबुक वो तो उससे भी ज्यादा है क्योंकि फेसबुक पे कितने लोग इस टाइम देख रहे हैं कितने लोग फोटो अपलोड कर रहे हैं कितने लोग उसको उसमें न्यूज़ देख रहे हैं बहुत सारी ऑप्शंस है आजकल फेसबुक में सेम इंस्टाग्राम ट्विटर तो इनका जो रिक्वेस्ट है नंबर ऑफ रिक्वेस्ट इज टू ह्यूज अगर एक सिंपल सोच के देखो मतलब डिफरेंस कहाँ पे आता है अगर मेरी मिलियन रिक्वेस्ट यहाँ पे आ रही है इस पे और हर रिक्वेस्ट को ये चेक करा इट इज अलाउड इट इज नॉट अलाउड अलाउड नॉट अलाउड होता है ना कि अगर आपके घर में फंक्शन है अगर सिक्योरिटी लगी हुई है बाहर तो डेफिनेटली और लोग कम नहीं आ रहे लाखों में लोग आ रहे हैं आपके इवेंट को अटेंड करने के लिए और वहां सिक्योरिटी भी लगी हुई है ठीक है तो डेफिनेटली डिले होना संभव है क्योंकि सिक्योरिटी हर बंदे को अगर चेक करके अंदर भेजेगी ठीक है तो इट विल टेक ए लॉट ऑफ टाइम और सभी अगर एक साथ आ जाए तो ठीक है ना तो सेम चीज है नेटवर्क लोड बैलेंसर में इसीलिए कई चीजें नहीं होती जैसे सिक्योरिटी ग्रुप नहीं होता उसमें उसमें जो ट्रैफिक यहां से आएगी वो सीधी लोड बैलेंसर पे जाएगी क्योंकि ट्रैफिक इतनी ज्यादा है अगर वो हर रिक्वेस्ट को चेक करना शुरू कर दे इट विल टेक ऑफ टाइम ठीक है ओके तो अभी हम नेटवर्क लोड बैलेंसर की बात करते हैं नेटवर्क लोड बैलेंसर वेन यू क्रिएट इट क्रिएट ओके तो पहले तो लेट नेटवर्क लोड बैलेंसर का नाम दो इन्होंने यहाँ पे आजकल कुछ चेंज किया है रिसेंटली ये जी ये लोग चेंज करते रहते अभी काफी कुछ चेंज हो चुका है माय नेटवर्क लोड बैलेंसर मैंने लोड बैलेंसर का नाम दिया अभी सेम क्वेश्चन है कि इंटरनेट फेसिंग है या इंटरनल फेसिंग है इंटरनेट फेसिंग और इंटरनल फेसिंग का मतलब सेम है कि जो मैं तुम यहां पे एक्सप्लेन कर रहा था कि अगर तो कोई एप्लीकेशन है जो इंटरनली मूव कर रही है ठीक है यहां से मान लो सिटी बैंक पे क्लिक किया और आप सिटी बैंक पे क्लिक किया और यहां पे इंटरनल लोड बैलेंसर के ऊपर कनेक्ट की ये लोड बैलेंसर इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है ओके okay? तो उस केस में ऐसे रहे okay. तो हम लोग लोड बैलेंसर बैलेंसर का भी सेम फंक्शन डेफिनेटली लोड बैलेंसर का फंक्शन तो सेम ही रहेगा चाहे वो नेटवर्क हो चाहे एप्लीकेशन हो फंक्शनैलिटी चेंज हो जाएंगी तो ये इस बार मैं नेटवर्क लोड बैलेंसर बना रहा हूँ ठीक है इसमें थोड़ा कॉन्फ़िगरेशन और थोड़ा चेंजेस उन्होंने किए हैं क्लासिक लोड बैलेंसर से व्हेन यू आर क्रिएटिंग ए न्यू लोड बैलेंसर सो लेट मी मैंने ब्राउजर को बंद कर दिया था जस्ट ओ मी ओपन इट अगेन नीचे आओ लोड बैलेंसर स्क्रीन विजिबल नहीं है आपकी लेट मी शेयर में स्क्रीन सॉरी

माय नेटवर्क लोड बैलेंसर ठीक है तो अगर इंटरनेट फेसिंग है तो यहाँ पे इंटरनेट फेसिंग अगर ये इंटरनल है तो सेलेक्ट द इंटरनल अभी तुम्हारे पास दो ऑप्शंस है फोर और ड्यूल स्टैक आजकल बहुत सारी कंपनियों में ड्यूल स्टैक चल रहा है ड्यूल स्टैक का मतलब होता है आईपीवी4 आईपीवी6 कि ये नेटवर्क लोड बैलेंसर मेरा आई वी सिक्स को भी सपोर्ट करेगा ठीक है क्योंकि रिसेंटली मैं नहीं कंपनी सर चेंजिंग क्योंकि आई की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम धीरे धीरे लोगों को आ रही है तो इसलिए एवरीबडी इज़ कन्वर्ट मतलब मूविंग टू टूवर्ड्स द आई पी वी सिक्स इट्स नॉट ईजी और नॉट मीन्स बहुत इजी नहीं है इसको कॉन्फ़िगरेशन करना और यूज़ uh, करना क्योंकि आपके सारे डिवाइसेस उसमें सपोर्टे uh, होने चाहिए आई पी वी सिक्स के लिए ओके okay, मैं अभी फोर ही यूज कर रहा हूँ यहाँ पे कौन से वीपीसी में ये बनेगा ये वीपीसी का कंसेप्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे अपने कि VPC, आ, अगर डिफरेंट है हर कंपनी में डिफरेंट डिफरेंट VPCs बनते हैं डिफॉल्ट पे काम नहीं होता है ठीक है तो वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट मैपिंग वन ए वन बी अभी ये पूछ रहा है कि ये जो लोड बैलेंसर है ये कि, किस किस अवेलेबिलिटी जोन के लिए वर्क करेगा तो वो आप मैपिंग कर सकते हो फॉर एग्जाम्पल इन अवर केस हमने अपने ई इंस्टेंस हमारे कहाँ पे है ठीक है मान लो आपकी आपने बहुत अच्छी एप्लीकेशन को डिजाइन कर रखा है और बेस्ट डिजाइन तभी बनता है अगर आप हर पैरामीटर को प्रॉपरली देखते हैं फॉर एग्जांपल यू आर टेकिंग केयर ऑफ रिडेंडेंसी ठीक है स्केलेबिलिटी तो जो भी क्लाउड की आपको फीचर्स हैं अगर वो सारी आप सोचते हो अभी जो हमने एग्जांपल पहले ली थी सिटी बैंक की चाहे उससे पहले मैं ऊपर दिखाता हूं ए, जैसे मैंने ये एग्जांपल भी फेसबुक के ऊपर ली है तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट अवेलेबिलिटी ज़ोन्स में रहेंगे ठीक है फॉर एग्जांपल अभी आपके कंडीशन में है कि मुझे हाईली अवेलेबल और बहुत अच्छा आर्किटेक्चर बनाना है तो मैं क्या करूंगा एक मेरा वेब सर्वर होगा मान लो सेम citibank.com ये मेरा बनेगा एक अवेलेबिलिटी जोन में जिसका फॉर एग्जांपल वो अवेलेबिलिटी जोन वन ए ही ठीक है तो दूसरा मेरा सर्वर बनेगा अवेलेबिलिटी जोन वन बी में ऐसे ताकि अगर मेरा एक अवेलेबिलिटी जोन डाउन भी हो जाए तो दूसरा अवेलेबिलिटी जोन है दूसरा भी डाउन हो जाए तो मेरे पास तीसरा अवेलेबिलिटी तो मेरे, मेरे तीनों ये नोड्स अलग अलग अवेलेबिलिटी जोन में रन कर सकते हैं। example, ऐसे तो ये नेटवर्क लोड बैलेंसर जो हमने अभी बनाया है ये किस किस अवेलेबिलिटी जोन को सपोर्ट करेगा वो आप यहाँ पे करते हो, करते हुए यहाँ पे ठीक है आप नीचे आते हो तो आप सिलेक्ट करते हो वन ए वन बी वन सी फॉर एग्जाम्पल आपका लोड सारा तीनों ही अवेलेबिलिटी जोन में है बाकी तीन में नहीं है तो आप यहाँ पे उसको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है इन तीनों को सपोर्ट करेगा आपका प्रॉपर इज इट क्लियर नेक्स्ट ये तीनों के लिए सपोर्ट यहाँ पे सिलेक्ट हमने कर दिया तीनों अवेलेबिलिटी जोन के लिए अभी नेक्स्ट आ जाएगा पोर्ट एंड राउटिंग यह लिसन कर रहा है पोर्ट नंबर एटी पे राइट नाउ एटी कौन सी मैंने पोर्ट बोली है यहां पे पोर्ट एटी थोड़ा और डीप जाने के लिए मैं इस बार चेंज कर देता हूं एट जीरो पे ठीक है थोड़ा चेंज करने के लिए तो मैं यहां पर पोर्ट दे देता हूं एट जीरो सॉरी समी बॉन्स टू से समथिंग ओके okay. तो इस बार इन्होंने यहां पे एक चेंज कर दिया है क्रिएट टारगेट ग्रुप व्हाट इज टारगेट ग्रुप नाउ लेट मी ओपन इन न्यू टैब तो इन्होंने अभी थोड़ा कांसेप्ट यहां पे नेटवर्क और एप्लीकेशन में चेंज कर दिया उन्होंने एक टारगेट ग्रुप बना दिया कि इस टारगेट ग्रुप पे जितने भी हमारे एप्लीकेशंस जो भी हमारे वेब सर्वर रन करेंगे वो एक पर्टिकुलर टारगेट ग्रुप में होंगे पार्ट ऑफ वन टारगेट ग्रुप और मेरी सारी रिक्वेस्ट उस पर्टिकुलर टारगेट ग्रुप को जाएगी रेदर देन इंडिविजुअल नोड के ऊपर तो ये मेरी रिक्वेस्ट इस टारगेट ग्रुप को जाएगी तो मैं यहां पे लिख देता हूं टारगेट ग्रुप ओके तो ये एक टारगेट ग्रुप की तरफ जाएंगी मैं नाम देता हूँ सिटी टीजी ठीक है कोई भी नाम दे दिया मैंने तो यहाँ पे मैं एक टारगेट ग्रुप क्रिएट करूंगा अभी तो यहाँ पे जब मुझे टारगेट ग्रुप क्रिएट करना है मैं दोबारा दिखा देता हूँ हम एप्लीकेशन में पहले टारगेट ग्रुप क्रिएट करेंगे इसमें मैं बीच में क्रिएट कर रहा हूँ ठीक है कि अब

सिटी टारगेट ग्रुप अभी यहां पे वो बोल रहा है प्रोटोकॉल ये कौन सा प्रोटोकॉल बोल रहा है तो ये बोल रहा है मुझे जब ये रिक्वेस्ट यहां पे आएगी और ये टारगेट ग्रुप इससे बात करेगा सिटी बैंक uh, से इंटरनली ऐसे कर देता हूँ ओके okay, ये पर्टिकुलर टारगेट ग्रुप जब इससे बात करेगा ऐसे तो ये जब आपस में बात करेंगे तो ये कौन सी पोर्ट पे बात करेगी टारगेट ग्रुप जहां नेटवर्क लोड बैलेंसर से जो रिक्वेस्ट आएगी वो होगी पोर्ट 80 के ऊपर ठीक है अब क्वेश्चन आते हैं माइंड में वेब सर्वर और ये तो टीसीपी है या ऐसे है तो कैसे होता है तो पोर्ट एटी ऐसे भी आप उसको यूज कर सकते हो तो अभी जो भी रिक्वेस्ट यहाँ से आएगी टारगेट ग्रुप के लिए वो port 80 पे आएगी जो आप यहाँ पे करते हो अगर आपका वेब सर्वर आपकी कंपनी का जो जिसने ये वेबसाइट बनाई है या जिसने ये एप्लीकेशन बनाई है वो बोलता है नहीं मेरा पोर्ट एटी पे वर्क नहीं कर रहा है मेरा तो एट फोर फोर थ्री पे कर रहा है तो आपको फिर यहां पे चेंज करके एट फोर फोर थ्री देना है ठीक है मतलब आपको वही पोर्ट देना है जिस पे आपकी एप्लीकेशन चल रही है अभी यहां पे वो बोल रहा है कि ये तीनों सपोर्ट करता है एच टी टी पी वन एच टी टी पी टू एंड जी आर पी सी गूगल आरपीसी इसको भी बोलते हैं तो मतलब अगर आपका एप्लीकेशन डायरेक्टली जी आर पी सी प्रोटोकॉल इट इज यूजिंग तो आप वो भी सपोर्ट करता है इसमें तो मैं अभी एच टी टी पी वन को ले रहा हूं नेक्स्ट है हेल्थ चेक इस पर्टिकुलर लोड बैलेंसर को कैसे पता लगेगा ये सर्वर डाउन है, है या ये डाउन है या ये डाउन है तो उसके लिए हमने यहां पे पाथ दे दिया है ये चेक करता रहेगा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल अगर ये फाइल वहां पे है तो इट मीन्स उसको ये फाइल मिल रही है तो इट इज वर्किंग फाइन उसके अलावा क्या चेक करेगा वो पोर्ट भी चेक करता है फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे दे, दे देते हैं हेल्थी थ्रेश होल्ड फाइव मैंने इसको तीन कर देता हूँ नहीं तो टाइम लगेगा अनहेल्थी दो टाइम आउट फाइव इंटरवल मैं इसको दे, दे देता हूँ आठ सेकेंड वट दिस मीन वंस अगेन आई विल एक्सप्लेन ये लोड बैलेंसर यहां पे जाएगा और चेक करेगा कि तुम चल रहे हो या नहीं ये चल रहा है या नहीं कितनी देर में जाके चेक करेगा वो हमने यहां लिखा हुआ है देखो एवरी अभी मैंने चेंज किया इंटरवल एवरी एट सेकेंड तो हर आठ सेकेंड में यहां जाएगा ठीक है और रिस्पांस की वेट करेगा रिस्पांस कितनी देर में आना चाहिए पांच सेकेंड में मान लो रिस्पांस <coughs> नहीं आता ये सर्वर कुछ ना कुछ क्रैश हो गया कुछ बंद हो गया कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम आ गई नहीं आया तो ये दो बार चेक करेगा अनहेल्थी थ्रेश तो ये दो बार चेक करेगा अगर दूसरी बार भी इसको रिस्पॉन्स नहीं आता सेकेंड टाइम फिर से जाएगा आठ सेकंड के बाद अगर आठ सेकंड में रिस्पॉन्स नहीं आया फिर से यहां से गया सॉरी फिर से यहां से रिक्वेस्ट गई और फिर से जब नहीं आई रिक्वेस्ट पांच सेकेंड में तो यह यहां पे डिक्लेयर कर देगा कि भाई ये सर्वर वर्किंग नहीं है दैट इज द हेल्थ मान लो लेकिन इसका मतलब यह नहीं है ये इसको चेक करना बंद कर देगा ये इसको कॉन्टिन्यूस आठ सेकंड में चेक करता रहेगा हर आठ सेकंड में चेक चेक करता रहेगा जब तक आपने उस नोड को लोड बैलेंसर में कॉन्फिगर कर रखा है इसका काम चलता रहेगा फिर आठ सेकंड में जाएगा देखेगा चल रहा है या नहीं चल रहा है फिर आठ सेकंड में जाएगा और वेट करेगा कब तक वेट करता रहेगा ठीक है अभी सोचो आठ सेकंड मान लो अभी ये चलना शुरू हो गया तो फिर क्या होगा एक में मैं इसको डिलीट कर दू सोचो ये मेरा नोड फिक्स हो गया अभी वर्किंग है तो ये फिर से जा ही रहा है आठ सेकंड में तो इसको रिस्पॉन्स आ गया वापस तो रिस्पॉन्स आया तो इसको लगा ये चल गया तो क्या इसको इमीडिएटली एनेबल कर देगा नहीं वो तीन बार वेट करेगा जो मेरी इस कॉन्फ़िगरेशन में लिखा हुआ है यहां पे देखो थ्रेशोल्ड होल्ड थ्री Healthy threshold. वो उसको तीन बार चेक करेगा ऐसे नहीं है. एक बार में हो सकता है. अभी स्टार्ट हुआ हो तो फिर से जाएगा. फिर से देखेगा रिस्पॉन्स में फिर से भेजेगा बाद. फिर से जब तीसरी बार आ जाएगा, तो फाइन okay, तो, तो नेक्स्ट टाइम यहां से फिर जो रिक्वेस्ट पीछे से आएगी वो इसको भी भेजनी शुरू कर देगा अदरवाइज नहीं भेजेगा ठीक है जब तक उसको ये होता है वो उसको प्रॉपरली चेक करता है उसकी हेल्थ को और तब तक एनेबल नहीं करता जब तक वो प्रॉपरली वर्किंग में नहीं है नेक्स्ट तो यहां पे कौन से नोड तुम्हें इसमें ऐड करने हैं ठीक है टारगेट ग्रुप में तो तुम इसको सेलेक्ट करते हो जो जो भी नोड यहाँ पे मान लो तुम्हारे दस नोड हैं पांच हैं उसमें से सिर्फ दो ही सिलेक्ट करने हैं या चार करने हैं वो यहाँ पे सिलेक्ट होते हैं इंक्लूड एज पेंडिंग बिलो तो यहाँ पे आप नीचे देखोगे तो यहाँ पे पेंडिंग में आ गया हेल्थ स्टेटस पेंडिंग अभी वो चेक करेगा और ये क्रिएट कर दो टारगेट ग्रुप अभी टारगेट ग्रुप क्रिएट हो गया ये देखो टारगेट ग्रुप क्रिएट अभी अपने लोड बैलेंसर पे जाओ जी यहां पे हम क्रिएट कर रहे थे वहां पे रिफ्रेश कर दो इसको तो अभी यहां पे तुम नीचे टारगेट ग्रुप का नाम आ जाएगा थोड़ी देर में okay, मैंने एक गलती ना की हो यह गलती मैंने कर दी ये प्रोटोकॉल मैंने बना दिया एस <coughs> ये टारगेट ग्रुप जबकि मेरा जो भी लोड बैलेंसर मैं बना रहा हूँ वो बना रहा हूँ टीसीपी तो मुझे दोबारा बनाना पड़ेगा क्रिएट टारगेट ग्रुप मैं दिखाता हूँ तो यहाँ पे प्रोटोकॉल एच की जगह टी यूज होना चाहिए था तो मैं न्यू बना देता हूं सिटी टारगेट ग्रुप नेटवर्क लोड बैलेंसर इसका नाम दे देता हूं बाकी मैं जल्दी जल्दी चेंज कर देता हूँ हेल्थ चेक टी ये मैं इंटरवल टेन सेकेंड्स कर देता हूं नेक्स्ट तो ये दोनों ही नोड उसमें भी ऐड रहेंगे तो मैं इसको ऐड कर देता हूं और क्रिएट कर देता हूं जैसे यहाँ ऐड हो जाएंगे और ये टारगेट ग्रुप नया बन गया तो दो टारगेट ग्रुप बन गए अभी मेरे एप्लीकेशन के लिए समझ लो पहले मैंने बना दिया तो यहां पे फर्क कितना हुआ ये प्रोटोकॉल का एक प्रोटोकॉल है और एक पी सपोर्ट करता है एच जो सपोर्ट करता है वो लेयर सेवन सपोर्ट करता है लेयर सेवन प्रोटोकॉल लोड बैलेंसर जो मेरा एप्लीकेशन लोड बैलेंसर होगा तो अभी मैं लोड बैलेंसर पे जाऊं यहाँ पे रिफ्रेश करूं तो अभी देखोगे तो एक आ जाएगा ये देखो जो क्योंकि टीसीपी है तो वही आएगा अगर यहां पे मैं जब मैं एप्लीकेशन लोड बैलेंसर बनाऊंगा तो यहाँ ऑप्शन आएगी एच की ठीक है तो अभी ये मेरी सारी रिक्वेस्ट इस टारगेट ग्रुप पे जाएगी क्रिएट लोड बैलेंसर तो लोड बैलेंसर क्रिएट हो गया ओके okay. तो अभी लोड बैलेंसर मेरा जनरेट हो गया अभी ये नहीं पता ये लोड बैलेंसर चल रही है या नहीं तो इसका लोड बैलेंसर का नाम ब्राउजर में डालो और देखोगे अभी ये चलेगा नहीं करोगे नहीं चला देखो टारगेट ग्रुप में जाओ और चेक करो ठीक है जो हमने अभी बनाया था नेटवर्क लोड बैलेंसर वाला इसमें नोड्स देखोगे तो अनयूज दिखा रहा है बोथ अनयूज़ इसका मतलब अभी ये इन यू से इनिशियल स्टेट में हुए मींस मेरा लोड बैलेंसर इसको इसकी हेल्थ को चेक कर रहा है अभी तो अभी ये रेडी नहीं है सर्व करने के लिए लोड बैलेंसर इज जस्ट चेकिंग नंबर ऑफ टाइम्स जो हमने दे रखा है उतनी बार वो चेक करेगा फिर उसको बोलेगा ओके नाउ आई फील कि यू आर गुड तो मैं तुम रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकते हो ठीक है तो जब तक यहां पे हेल्थी स्टेटस नहीं आ जाता तो हमें वेट करना होगा ठीक है तो ये इनिशियल स्टेट में रहेगा क्योंकि लोड बैलेंसर अटैच हो चुका है दूसरा अभी लोड बैलेंस पे जाओ जब तक ये कॉन्फिगर हो रहा है तो हमने लोड बैलेंसर का यहां लिस्नर पोर्ट पे देखो पोर्ट नंबर क्या दिया था लिस्नर 8080 तो अगर मैं ऐसे दे रहा हूं तो ये गलत है तो मुझे इसके पीछे पोर्ट नंबर 8080 देना है ठीक है जब भी आए हम एक काम करते हैं इसको दो मिनट लगेंगे आ, हेल्थी आते आते तो वी विल टेक द ब्रेक नाउ और बाद में फिर नहीं लेंगे ठीक है तो हम लोग आ, 8:50 8 मिनट का ब्रेक लेते हैं और आर यू ओके दोनों नोट हेल्थी राइट नाउ ठीक है तो हेल्थी दिखाने मतलब अगर मैं रिफ्रेश करता हूं अभी तो देखो चलना शुरू हो गया रिफ्रेश किया माय फर्स्ट वेब सर्वर न्यू वेब सर्वर फॉर दिस अभी दोबारा आप थोड़ी देर में देखोगे तो ये चेंज होकर दूसरा आ जाएगा ये नेटवर्क लोड बैलेंसर में बाय डिफॉल्ट ये रहता है कि इट विल नॉट कम ऑलवेज प्रॉपरली ये राउंड रॉबिन में वेट करता है एक मिनट मैं टर्मिनल खोलता हूं तो मेरे पास दूसरी ऑप्शन है टर्मिनल कर्ल इसको करो देखो सेकंड वेब सर्वर आ रहा है मैं इसको पे लगा देता ये देखो Hello, it's my web server, या भी मेरा आ गया first web server. फिर दूसरी बार चेंज हो जाएगा तो ये चेंज होके फिर से सेकंड वेब सर्वर हो जाएगा मैंने वॉच लगा दिया एवरी दो सेकंड में वो रिक्वेस्ट भेजता रहता है तो ये देखो अभी चेंज हो गया इट्स माय सेकंड वेब सर्वर तो <coughs> हमारा लोड बैलेंसर ये भी वर्क हो रहा है अभी देखो इट्स सेकेंड लोड बैलेंसर है फिर से माई फर्स्ट लोड बैलेंसर आ गया तो ये हर दो सेकंड में मतलब मैंने ऑटोमेट कर दिया जस्ट वॉच कमांड से तो ये इट मींस मेरा लोड बैलेंसर प्रॉपरली वर्क हो रहा है नेटवर्क लोड बैलेंसर तो अभी क्वेश्चन इसके लिए यही आते हैं कि अगर आपको इस पर्टिकुलर लोड बैलेंसर को यूज करना है तो जहां पे रिक्वेस्ट बहुत ज्यादा हाई रहेगी वहां पर यूज करना है ठीक है और इसमें क्या क्या ऑप्शन है लेट्स गो थ्रू दिस वन ये इन्होंने आई पी वी फोर दिया हुआ है अगर आपको यहाँ पे चेंज करना है टू तो ड्यूल स्टैक तो आप इसको ड्यूल स्टैक भी कर सकते हो जहां जह, जह, फिर ये आई पी वी फोर आई पी वी सिक्स दोनों सपोर्ट करेगा ठीक है मान लो कल को आपका वर्कलोड वन डी में भी आ जाता है एक मशीन वन डी में या वन ई में या एफ में आती है तो आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हो इट ड मीन की यू कांट एडिट दैट तो आपका मान लो अगली वर्चुअल मशीन जो अगला ईसी टू इंस्टेंस है किसी और में है तो यहाँ से ऐड कर लो ठीक है तो यहाँ पे आपको क्रिएशन टाइम ये कुछ इन्होंने दे रखी है, है कि लोड बैलेंसर कोई बाय मिस्टेक डिलीट प्रोटेक्शन से बेनिफिट ये होता है इसको सेव किया अगर मैं इसको अभी लोड बैलेंसर को डिलीट करूं ठीक है डिलीटेड तो ये यस yes, डिलीट ये मुझे एरर दे देगा ये देखो कि तुम्हारा डिलीट डिलीशन प्रोटेक्शन है। अगर जब तक तो ये डिलीशन प्रोटेक्शन अनेबल है मैं इसको नहीं कर सकता तो आपको क्या, यहां पे फिर उन केसेस में होता है, जो भी प्रोडक्शन आपके लोड बैलेंसर हो तो उनको हमेशा ये अनेबल करके रखो ताकि कोई बाई मिस्टेक भी डिलीट ना कर सके कई बार क्या होता है कि आपके पास दो लोड बैलेंसर एक प्रोडक्शन का एक डेवलपमेंट का आपने कोई और सोचा है और डिलीट कुछ और हो गया एक्सेस लॉग्स और कोई भी इसको जो एक्सेस करता है उसके लॉग्स जो हैं अगर आपको वो चाहिए, तो आप वो चाहिए चाहिए तो तो आप 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 होते हैं ठीक है ना देख लेटर ऑन इस लॉग्स को अनेबल कर देते हो बकेट में और कई कंपनियां क्योंकि बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही हैं तो आपको नहीं पता लगता लेकिन कब ये जरूरत होती है जब ट्रबल शूटिंग करनी होती है कोई परफॉर्मेंस इशू आ रहा है कोई पर्टिकुलर आपको कुछ ढूंढना है तब भी आप अनेबल कर सकते हो मान लो आज आपको कोई इशू आ रहा है तो आप यहाँ पे जाएंगे और इसको अनेबल कर देंगे तो जैसे ही आप अनेबल करोगे तो सारे लॉग्स जनरेट होने शुरू हो जाएंगे और वहां पे ये लॉग्स जाएंगे वहां पे ठीक है एस थ्री बकेट में क्रॉन जोन लोड बैलेंसिंग अगर आपको अनेबल करनी है तो आप यहां से कर सकते हो ठीक है ओरिजिनल ट्रांसफर डेटा चार्जेस में अप्लाई वेन क्रॉस जोन लोड बैलेंसिंग इज अनेबल्ड ठीक है तो ये अलग अलग जोन में डेफिनेटली जाएगा और राउंड रॉबिन रिक्वेस्ट के साथ जाएगा ठीक है दीज आर द दीब्यूट लिसनर में हमने ऑलरेडी देखा है अभी यह टारगेट ग्रुप का क्या बेनिफिट हुआ सेकेंड पॉइंट मैं इसी में एक और लिसनर एड कर सकता हूं ठीक है फॉर एग्जाम्पल अभी हम डायग्राम में आते हैं कि मेरे पास दो अलग अलग है ये सिटी बैंक डॉट कॉम है जो पोर्ट नंबर 8080 पे रिक्वेस्ट आ रही है तो यहां जा रही है सिमिलरली आप लोग एक और ऐसी ही बना सकते हो मान लो सिटी बैंक की जगह उनका इंटरनल है आ, मैं इसको नीचे ले आता हूं तो ये अलग एक मैंने बना दिया इसका फॉर एग्जाम्पल सिटी बैंक की जगह है ये आ, चलो कोई भी और सर्विस ले लेते हैं टिकट डॉट बैंक डॉट कॉम कोई टिकेट सेलिंग का इनकी वेबसाइट है इंटरनल टिकेट्स डॉट बैंक तो कोई भी इंटरनेट से रिक्वेस्ट आएगी तो आप एक नया टारगेट ग्रुप भी यहां पे डिफाइन कर सकते हो इस टारगेट ग्रुप का फॉर एग्जांपल आपने नाम दे दिया है मैं इसको नीचे ले आता हूँ मान लो टिकेट्स टारगेट ग्रुप नेम है तो यहाँ पे आप सेम लोड बैलेंसर से एक रिक्वेस्ट दूसरी जगह भी टारगेट ग्रुप में भेज सकते हो कौन सी रिक्वेस्ट जो पीछे इंटरनेट से आए आपके लोड बैलेंसर के ऊपर ऑन डिफरेंट पोर्ट मतलब वो सेम पोर्ट पे नहीं हो सकती क्योंकि वो ऑलरेडी यूज है पोर्ट 8080 यहाँ पे पोर्ट 8081 भी कर सकते हो एटी भी कर सकते हो कोई और भी कर सकते हो तो आपको करना क्या है यहां पे, एक और करना है. तो यहां पे आप पोर्ट दोगे, फॉर एग्जांपल 8081 है, तो यहां पे आप नया टारगेट ग्रुप का नाम दोगे अभी मेरे पास तो एक ही टारगेट ग्रुप है टीसीपी में तो आप ऐसे दे सकते हो ठीक है तो आप मल्टीपल यहां पे लिसनर ऐड कर सकते हो दैट इज हियर ठीक है तो अभी 808 पे अगर रिक्वेस्ट आएगी तो यहाँ जाए 8081 पे आएगी तो यहाँ जाए ऐसे आप मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हो इसमें मॉनिटरिंग तो मॉनिटरिंग में आप देख सकते हो कितना एक्टिव फ्लो काउंट है न्यू तो कितना रिक्वेस्ट आ रही है तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो इनकी मॉनिटरिंग डिटेल्स पे ठीक है कंज्यूम लोड बैलेंसर कैपेसिटी यूनिट लोड बैलेंसर रीसेट काउंट ये सारे उसके मॉनिटरिंग पैरामीटर्स आ जाते हैं इसके साथ कोई इंटीग्रेट आपको सर्विस करनी है तो आप इन सभी सर्विसेज को इंटीग्रेट डायरेक्टली विद लोड बैलेंसर कर सकते हो आप क्रिएट कर सकते हो और इंटीग्रेट डायरेक्टली इसी लोड बैलेंसर से यहीं से कर सकते हो कोई टैग नाम देना है फॉर एग्जांपल केवल टैगिंग देनी होती है हमारी कंपनी में जैसे इन्वायरमेंट तो मैं इसको लिख देता हूँ प्रोडक्शन ताकि अगर मुझे इन्वायरमेंट सर्च मारने हों सारे कि जो इन्वायरमेंट प्रॉड में है वो पता लगे तो यहाँ ये की वैल्यूज आप दे सकते हो ठीक है तो ये वर्क होता है। ओके, एनी क्वेश्चन टिल नाउ। अभी मैं टारगेट ग्रुप का थोड़ा दिखा देता हूं टारगेट ग्रुप जो हमने क्रिएट किया था इसमें देखो टारगेट में दोनों इंस्टेंसेस हेल्थी दिखा रहे हैं अगर आप एक शट डाउन कर दोगे इंजाज को स्टॉप कर दोगे तो ये अनहेल्थी दिखा देगा अभी आपको ठीक है मॉनिटरिंग में ये इस इंस्टेंस मॉनिटरिंग दिखाएगा यहां पे नॉट द लोड बैलेंसर हेल्थ चेक में यह हेल्थ चेक का स्टेटस दिखाएगा कि हेल्थ जो हमने पैरामीटर सेलेक्ट किए थे वो प्रॉपर हैं या नहीं है अगर आपको पैरामीटर्स में कुछ चेंज करना है तो यू कैन डू इट हेयर ओके एट्रीब्यूट्स यहाँ पे इनके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं यहाँ पे जो आप देख सकते हो टारगेट ग्रुप में तो ये है द टाइम टू वेट इन फ्लाइट रिक्वेस्ट टू कंप्लीट वाइल डी रजिस्टिंग टारगेट मतलब आपका कोई मान लो टारगेट आप कम कर रहे हो कोई डिलीट कर रहे हो टारगेट कुछ नया ऐड कर रहे हो तो ये कितना टाइम वेट करेगा डिलीट होने से पहले उसको फाइव मिनट्स जनरली कहाँ पे होता है हम नेक्स्ट अपना स्टडी uh, करेंगे ऑटो स्केलिंग

वो वेट करेगा जितना टाइम है कनेक्शन टर्मिनेट ऑन टर्मिनेशन ऑन डी रजिस्ट्रेशन इफ टर्मिनेट एक्टिव कनेक्शन डिले इज़ तो जैसे ही उसके जब ये 300 सेकंड्स पे आ जाएगा इमीडिएटली जो भी एक्टिव कनेक्शन उसके बाद बचे होंगे तो वो उसको हटा देगा ठीक है डिलीट कर देगा अगर आपको स्टिकनेस चाहिए तो यहां पे आप क्लिक कर सकते हो अगर आपको प्रॉक्सी प्रोटोकॉल वर्जन टू चाहिए तो आप इसको भी अनेबल कर सकते हो ठीक है तो ये आपके पास सेटिंग्स है इसके लिए एट्रीब्यूट में टारगेट ग्रुप में ओके okay, तो टैगिंग यहां पे भी है अगर आपको कुछ टैग्स देने हो तो लेबल्स तो आप यहाँ पे दे सकते हो ठीक है दिस इज द नेटवर्क लोड बैलेंसर एनी क्वेश्चन एनी बिफोर वी स्टार्ट द एप्लीकेशन लोड बैलेंसर नो, no. ओके, okay. अभी हम एप्लीकेशन लोड बैलेंसर पे आते हैं